हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू चेंज मोबाइल नंबर इन मस्कट बैंक। तो यहाँ पे आपको मैं तीन अलग अलग ऑप्शन बताने वाला हूँ कैसे आप मस्कट बैंक में अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू बताऊँगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम का कॉलम लिखना है और उसमें आपको अपना नाम लिख देना है जो नाम आपका बैंक में है। उसके बाद आपको स्पेस देके ओल्ड नंबर का कॉलम लिखना है। ओल्ड नंबर के कॉलम में आपको अपना पुराना नंबर लिखना है जो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद आपको स्पेस देके न्यू नंबर का कॉलम लिखना है और न्यू नंबर के कॉलम में आपको वो नंबर डालना है जो आप चेंज करना चाहते हो या फिर अपडेट करना चाहते हो। फिर आपको सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट का कॉलम लिखना है। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको भी सेम टू सेम कॉपी करके लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लीज़ चेंज माय मोबाइल नंबर इन मस्कट बैंक, इतना आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट के कॉलम में लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिख रहा होगा तो वहाँ पे आपको लिखना है मोबाइल नंबर अपडेट रिक्वेस्ट इन मस्कट बैंक। और अगर आप सब्जेक्ट में यहाँ पे अपना बैंक का नाम मेंशन नहीं करना चाहते तो भी चलेगा क्योंकि हमने रिक्वेस्ट के कॉलम में ऑलरेडी बैंक का नाम मेंशन किया है। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे लास्ट में मस्कट बैंक की जीमेल आईडी डालना है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी और मस्कट बैंक का एप्लीकेशन होगा तो वहाँ से भी मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट अस का पेज रहता है वहाँ से ईमेल आईडी मिल जाएगी तो वहाँ कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि जो भी आपने लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक होगी तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी तो आपका यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जब भी ईमेल लिखते हो तो ईमेल अच्छी तरीके से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको अपना ईमेल सेंड कर देना है। सेंड करने के 10 से 15 मिनट के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 48 आवर्स में आपका नंबर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए तो सेकेंड ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड ऑप्शन कैसे नंबर चेंज करना है। यहाँ पे आपको अपने बैंक के ब्रांच में जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको नंबर चेंज और अपडेट का फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लेके सारी डिटेल फिल करना है और फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको 7 to 8 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है और वो टाइम पीरियड में आपका मोबाइल नंबर चेंज होके मिल जाता है। तो ये था सेकेंड ऑप्शन। अगर आपको ये ट्राई नहीं करना है तो आप थर्ड ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में बताना चाहता हूँ आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करना है या टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है अपने बैंक के, और कॉल करके आप अपना प्रोसीजर पूछ सकते हैं और वहाँ से भी आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं मस्कट बैंक में। तो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग ऑप्शन बताया है मैंने, जो ऑप्शन आपको ईजी और बेटर लगता है वहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि आपका मोबाइल नंबर चेंज हुआ है नहीं। और दोस्तों चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।